हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं स्टेडियम में और यहाँ पर दिख रहे हैं बच्चे। अभी बरसात हुई है तो स्टेडियम काफ़ी गीला है, गीला पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे। और यहाँ पर कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर एकेडमी चल रही है और इस एकेडमी के बारे में इनके सर के पास जाते हैं और आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिलाते हैं कि एकेडमी में बच्चों को एक्सरसाइज कराई जा रही है। तो आज हम स्टेडियम आए थे सुबह से मॉर्निंग में, तो यहाँ पर बारिश हो जाने के कारण बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो ये अपना पहचान का है जो साथ में आ गया है, देखो मजाक भी कर रहा है। यहाँ पर सब ये अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहें। और अभी हम आपको उनके सर से मिलाएंगे, योगा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार से नमूना बैठा हुआ है और देखो एक्सरसाइज योगा चल रहा है। एक्सरसाइज शायद समाप्त होने के उस पर है और इनकी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब ये एक्सरसाइज के बाद शायद घर जाएंगे, मन खत्म है दोस्तों। ये सर बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड एकेडमी के संचालक भी है जो योगा कर रहे हैं। देखिए और यहाँ पर बच्चे हैं कितने दमदम तरीका से कर रहे हैं। और हम आपको अब स्टेडियम का नज़ारा दिखा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये छतरपुर MP 16 का स्टेडियम है, बाबूराम चतुर्वेदी। देखिए आपको दिखाई दे रहा है लगभग लगभग 4 एकड़ में बना हुआ स्टेडियम है। यहाँ का जिला का सबसे टॉप स्टेडियम है और आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आज बच्चे तो कम आए हैं क्योंकि बारिश हो चुकी है, इस कारण से स्टेडियम में अभी बच्चे कम आए हैं। बकाया बच्चों के कारण स्टेडियम गचागच रहता है। और जस्ट इसके पीछे ये यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और उसी का ग्राउंड डला हुआ है यहाँ पर, ये शताब्दी बोलते हैं। और आपको दिखाई दे रही होंगी ये बिल्डिंग है, तो ये उसी की है। और ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, वो सामने बैडमिंटन लैब है। देख रहे हैं सर शायद फ्री हो चुके हैं, तो अब हम उनसे इंट्रोडक्शन लेंगे और आप लोग बने रहें, पूरी फिजिकल एकेडमी के बारे में जानकारी देंगे। वो आप जमा कर रहे हैं शायद, अभी व्यस्त हैं। चलिए इन बच्चों से पूछते हैं कि किस प्रकार से एक्सरसाइज होती है यहाँ पर। चलिए बताइए सर, कैसे एक्सरसाइज कराते हैं भैया? सर एक्सरसाइज अच्छी कराते हैं? और क्या कराते हैं एक्सरसाइज में? लगभग लगभग सभी एक्सरसाइज होती हैं। सभी एक्सरसाइज होती हैं और आपको अच्छा लगता है सर का बर्ताव? हाँ अच्छा लगता है। और आप बताइए, आप आ गए हैं बगल में, आप कैसे क्या हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 11th में पढ़ते हैं। अच्छा 11th में पढ़ता है। देखिए अग्निवीर के लिए कितना बेताब है और कितनी लगन से लगा हुआ है। अभी आपकी एज क्या हुई है? 17.5 लगभग लगभग अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और 17.5 से बंदा लग चुका है। तो ये इसे देख सकते हैं कि देश के लिए कितने देशभक्ति के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पर आप सर के पास चल रहे हैं। चलिए देखो काफ़ी बच्चे आए हैं यहाँ पर। सर देखिए सर से पूछते हैं, सर एकेडमी के बारे में बताएंगे आप लोगों को। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे 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 वंदे। दे रहा है बच्चों के अंदर कितना जोश एवं उत्साह है। चलिए इनके पास जाते हैं और सर से कुछ सवाल पूछते हैं कि एकेडमी के बारे में बताएंगे वो आपको। सर आपकी एकेडमी का नाम क्या है? हमारी एकेडमी बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी छतरपुर के नाम से चलती है, जो अग्निवीर स्पेशल बैच चल रहा है जी अभी। इससे पहले MP का पुलिस का बैच चल रहा था, SSC GD, उसमें 60 से 57 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसमें फिजिकल। अच्छा अच्छा। और सर हम सुना था कि आपकी एकेडमी में शायद अच्छी तरीका से एक्सरसाइज होती है और प्लस में काफ़ी बच्चे भर्ती हुई है। एक्सरसाइज अच्छी होती है क्योंकि हम साथ में रनिंग भी करते हैं और बच्चों को दौड़ाते भी हैं, तो बच्चों को अलग ही जुनून वो पैदा होता है जिससे वो अच्छी रनिंग करती है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए वीडियो में काफ़ी बच्चे पीछे हैं और लगभग लगभग यहाँ पर जनसंख्या 50 से ऊपर है और सही तरीके से आपको पीछे के बच्चे कुछ एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ बच्चों से पूछते हैं यहाँ पर, आप बताइए, आप कुछ हैंडसम से दिख रहे हैं। सर आप बताइए, और जैसे सरकार ने 4 साल की भर्ती कर दी है, इसमें आपका मनोबल टूटा है या सही है, क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? देश सेवा के लिए 4 साल या 20 साल मायने नहीं रखता है। देश सेवा अगर एक दिन भी करने को मिले तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। अब उनको अग्निवीर से कोई इतराज नहीं है, अग्निवीर भी जो भर्ती है वो सही है। कितने बीच इतने के अंदर जुनून है और सभी बच्चे 4 साल हो या 4 दिन के लिए बोल रहे हैं, इस सरकार से इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। और देखिए सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं
और सर बता रहे हैं जैसे सर आप यहाँ पर कब से तैयारी करा रहे हैं लगभग में? यहाँ हम 2021 मतलब एक साल होने वाला है पूरा, अक्टूबर में एक साल हो जाएगा, जिससे अभी यहाँ से 60 से 50 बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं। अच्छा, और ये अपनी एकेडमी आगे भी चलती रहेगी, जैसे हम लोगों की जॉब भी लग जाती है तो अपन कोई ऐसा बच्चा छोड़ जाएंगे यहाँ पर जो बच्चों को विधिवत रूप से कराता रहेगा। अपने छतरपुर के इस एकेडमी की वजह से डिफेंस में बच्चों का कैरियर बनेगा। अच्छा अच्छा, सर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सर यदि जॉब भी लग जाएगी सर की, तो इसके बाद वो किसी ना किसी को संचालक बना के जाएंगे और कोई ना कोई यहाँ पर उनकी जगह पर स्थान लेगा और बच्चों की तैयारी प्रॉपर रूप से होगी, जिसमें बच्चों को किसी प्रकार का लॉस नहीं है। और बच्चे से चली कुछ बच्चों से सवाल हो जाए, आप भैया कब से तैयारी कर रहे हैं? 4-5 महीने, 4-5 महीने हो रहे हैं। और वैसे क्या कौन सी क्लास है आपकी? BA कर रहे हैं। देखो 3 साल से बंदा तैयारी कर रहा है और आपको जो अग्निवीर योजना आई है सरकार की तरफ से, इसमें कोई आपको किसी प्रकार का दिक्कत जा रही है या सही किया है सरकार ने? सही है, सही किया है। बस भैया बताई दे रहे हैं कि जैसे सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है और बोल रहे हैं सही है। देखे देश सेवा के लिए इससे समझ सकते हैं कि अपने देश के लिए सभी लोग वीर कितने उत्साह एवं जुनून के धारी हैं, इसीलिए भारत को महान कहा जाता है, क्योंकि जहाँ तक ऐसे युवा जो देश के अंदर हैं, जो देश में चार दिन के लिए भी देश की सरहद के लिए अपनी भर्ती को किसी भी प्रकार का दोषी नहीं मानते और सरकार को, तो अब चलिए इनसे कुछ इंट्रोडक्शन भैया से हो जाए। भैया कब से है? 4 महीनों से। 4 महीने से। और क्या कौन सी क्लास चल रही है आपकी? फर्स्ट ईयर BA। फर्स्ट ईयर BA चल रही है, चलिए बढ़िया है। और तैयारी इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं, आर्मी की तैयारी है। आर्मी के लिए देखिए कोई किसी और चीज़ का नाम नहीं ले रहा है, इससे मतलब सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि सरकार के द्वारा लिया गया फैसला, किसी को किसी भी प्रकार का कोई एतराज़ नहीं है। और अग्निवीर के लिए देखिए कितने तत्पर हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, चलिए सही है। और सर आप बताइए कि अपने यहाँ पर एकेडमी एक्सरसाइज कैसे होता है, रूल है या मतलब समय के हिसाब से भी चलता रहता है? हाँ, समय के हिसाब से चलता है। मॉर्निंग में 4:30 बजे से और 7:30 बजे तक चलता है, जिसमें बच्चों की पहले रनिंग कराई जाती है, उसके बाद बीम के बाद एक्सरसाइज कराई जाती है, उसके बाद बच्चों को डाइट वगैरह बताई जाती है और डाइट के बाद अपन घर पहुंचा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब बच्चों की शायद लगभग मुझे लग रहा है कि जैसे एक्सरसाइज हो चुकी होगी और अब आप लोग जैसे जा रहे होंगे या इसके बाद कोई एक्सरसाइज और बची है? घर ही निकल रहे हैं, सभी बच्चों की एक्सरसाइज हो गई है, उनका डाइट का भी टाइम हो रहा है। अच्छा अच्छा, डाइट का भी टाइम हो रहा है सर, चलो चलिए बढ़िया है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। आप लोगों को इस इंटरव्यू के बारे में, मैंने सर का इंटरव्यू लगा लिया है, जो आज मैं आया था यहाँ पर सुबह से मॉर्निंग के लिए आया था और वॉकिंग कर रहा था, तो यहाँ पर देखा कि बच्चे काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस वीडियो की संपूर्ण रूप से जानकारी ली है। तो जो बच्चा भी मतलब कहीं से भी हो, अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा हो या किसी भी प्रकार से कर रहा हो, तो लगन से लगा रहे और इसमें बताई दे रहा जानकारी मिली है सर के द्वारा कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई एतराज़ नहीं है इस अग्निवीर योजना से और सभी लोग खुश हैं और सभी प्रॉपर तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें।